नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। 17 दिन से जो खबर देखने के लिए पूरा देश बेकरार था, आज उसे लेकर मेहनत आखिरकार कामयाब हुई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। हम बात कर रहे हैं उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी में जिन 41 मजदूरों को बचाने का मिशन 12 नवंबर से जारी था, वो 28 नवंबर को आज जाके पूरा हो गया है। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। 17 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट और सेना की मदद से आखिरकार शिवानी ये ऑपरेशन पूरा कर लिया गया। और बिल्कुल सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को यहाँ पर पूरा कर लिया गया है। 41 मजदूर टनल में धंस जाने से 17 दिन तक फंसे रहे और अब ये आजादी उनको मिल गई है, वो सुरक्षित बाहर आ गए हैं। और पूरा देश इनके हिम्मत को सलाम कर रहा है, इनके जज्बे को सलाम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि 41 मजदूरों को बचाए जाने का ये बेहद खास पल जो है भावुक कर देने वाला है। यानी कि जो मेहनत यहां पर की गई है रेस्क्यू टीम के जरिए, जो जज्बा यहां पर दिखाया गया है 41 मजदूरों के जरिए, वो काबिले तारीफ है। और ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है दृढ़ता की, एकता की, निरंतरता की, जो लगातार लगे रहे वहां पर, डटे रहे। और अगर ये तीनों ही चीजें यहां पर ना होती तो शायद ये पहाड़ जैसी जो चुनौती थी इसको पार पाना यहां बेहद मुश्किल हो जाता। जिस तरीके की एकता यहां पर दिखाई गई है मजदूरों के द्वारा, रेस्क्यू टीम्स के द्वारा, उसकी तारीफ तो यहां बनती है। बिल्कुल सही शिवानी, और जिस एकता का जिक्र आप यहां पर कर रहे हैं उसे पूरे देश ने माना है। ये वो एकता रही, वो एकजुटता रही, वो जज्बा हौसला रहा, जिसकी बदौलत आज ये सबसे ज्यादा दिल के हर जख्म को भर देने वाली, सबसे खुश कर देने वाली, सुकून कर देने वाली ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर 41 जिंदगियां जीत गई और देवदूत बनकर पहुंचे ऑपरेशन जिंदगी को जारी रखने वाले उस रेस्क्यू टीम को भी सलाम करना बेहद जरूरी हो जाता है, जिन्होंने 17 दिन तक यानी करीब 400 घंटे से भी ज्यादा का वक्त दिन रात करके आखिरकार इन मजदूरों की जिंदगी को बचाने में लगाया। और रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरे देश की निगाहें लगातार टिकी हुई थी, नजरें बनी हुई थी 41 मजदूरों को कैसे बचाया जाए। देश की हर ऐसी व्यवस्था और मशीनरी को इसमें लगाया गया, जिससे ये रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरकार हर कीमत पर कामयाब हो गया। क्योंकि इसी मकसद के साथ रेस्क्यू टीम मैदान में उतरी थी पहाड़ से चुनौतियों का सामना करने के लिए, और अब मजदूरों के घर में जश्न का माहौल है। और जश्न का माहौल क्यों हो भी ना, देखिए किस तरीके से दिवाली वहां पर मनाई जा रही है। और दिवाली का ही वो दिन था जब ये टनल धंस गई थी और ये 41 मजदूर उसके अंदर ही फंसे रह गए थे, लेकिन उस अंधेरे को चीरते हुए पार पाते हुए रेस्क्यू टीम उन तक पहुंची और उनको वापस उसी रोशनी में लेकर आई जिनमें वो लगातार जिसके सहारे अपना काम कर रहे थे और अपना कर्तव्य निभा रहे थे। और दिवाली का जिक्र यहाँ पर जिस तरह से आपने शिवानी किया है, वो यकीनन आज इन सभी 41 परिवारों के लिए दिवाली का दिन है। और इस दिवाली के जश्न को हम कहेंगे आज वाकई दिए में वो तेल जलेंगे जिससे ये जिंदगी रोशन हो पाएगी। दो सहयोगी हमारे साथ लगातार 17 दिनों से बने हुए हैं, 400 घंटे से ज्यादा का वक्त आप दोनों को भी हो गया है। प्रियंका हमारे साथ में है और साथ ही प्रशांत भी हमारे साथ में। सबसे पहले प्रियंका आपकी तरफ रुख करेंगे, आखिरकार वो पल आ गया, वो मकसद यहां पर कामयाब हो गया जिसकी दुआ पूरे देश ने मांगी थी। जी बिल्कुल, और 41 मजदूर सकुशल बाहर आ गए, अपने परिवार के साथ हैं, फिलहाल अस्पताल में अपना प्राथमिक उपचार ले रहे हैं। एक ऐसा सपना जो मुझे लग रहा है डे वन से हम तमाम लोग देख रहे थे, इतना लंबा समय लग जाएगा नहीं सोचा था, लेकिन समय लगा। ऐसा लगा कई बार कि अब मिशन जो है यहाँ से शायद नहीं होगा, वर्टिकल ड्रिलिंग से ही हो पाएगा। बड़ी बड़ी मशीनें आ रही थी, फेल हो रही थी, कभी ब्लेड फंस जाते थे, कभी हेड फंस जाता था। हम रात भर इसी जगह पे जहाँ पर फिलहाल मैं खड़ी हूँ, पूरी रात हमने एक यहाँ इसी जगह यहाँ से वहाँ घूमते हुए निकाली, ये सोच के कि अगले दिन सुबह हमें कोई खुशखबरी मिलेगी। और अगले दिन हमें सुबह जानकारी मिलती है कि जिसका इंतजार हम कर रहे थे वो ब्लेड ही फंस गई है। ऐसे लोज एंड हाइज यहाँ पर कवरेज के दौरान हमने देखे, हमने देखा आज उस पिता को यहाँ से मुस्कुराते हुए जाते और इसके साथ ही जो पूरा सफर रहा है इन मजदूरों का, ये पूरे देश ने यहाँ पर देखा है, पूरे देश ने इसको महसूस किया है। प्रशांत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आपने देखिए पूरा जो वाकया था वहां पर होता हुआ देखा, कितनी चैलेंजेस वहां पर आए, कितनी चुनौतियां जो रेस्क्यू टीम थी उसने वहां पर सही, जिसके बाद ये तस्वीर अब निकल कर सामने आई, क्या कुछ आपने देखा? जबरदस्त जज्बा, उत्साह और वो साहस ना सिर्फ उन लोगों में जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस टनल में लगातार दाखिल हो रहे थे, बल्कि उनका साहस, उनकी हिम्मत भी बहुत अहम रही जो उस टनल में पिछले 17 दिनों से लगातार फंसे रहे 41 वो मजदूर जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी। क्योंकि आप कल्पना कीजिए,
जब किसी को अगर ये पूरी कहानी सुनाई जाएगी कि कैसे थोड़ी सी जगह में 41 मजदूर 17 दिनों तक फंसे होते हैं, ये कहानी सुनकर ही मानो दम सा घुटने लगता है। लेकिन वहाँ उन 41 मजदूरों ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और खास तौर पर बाहर से जिस तरह से कम्युनिकेशन उनके साथ में बनाया गया, उनकी हौसला अफजाई की गई, लगातार पल पल उन्हें ये बताया गया कि बस अब कुछ वक्त और धैर्य के, संयम के, आप तक के हम पहुंचने वाले हैं, आपकी सुरक्षित वापसी होकर रहेगी, क्योंकि सिर्फ आप ही को नहीं बल्कि आपके बाहर जो पूरी दुनिया है, आपके अपने हैं, उन सबको आपका बेसब्री से इंतजार है। और आखिरकार दीपावली के दिन जब ये हादसा हुआ था, तब से लेकर के अब तक के लगातार कई घर के चिराग इसी उम्मीद में कि जो वहां फंसे हुए हैं वो कब लौटेंगे और उनकी असली दीपावली होगी। आज आखिरकार 17वें दिन एक सही मायनों में दीपावली मनाई गई। जबरदस्त नारे त्योहार पर जिस तरह का जय जयकार होता है वो हमने सुना, आतिशबाजी जबरदस्त हुई और सही मायनों में दीपावली आज उन लोगों के घरों में, आज इस पूरे सिलक्यारी के आसपास पहाड़ों पर हमने देखा। भले ही ठंड है, ठिठुरन है, लौटेंगे आपके पास यहाँ पर प्रशांत। तो पूरा देश 41 जिंदगियों के जज्बे को सलाम कर रहा है। ये तीन तस्वीरें आपके सामने मौजूद है और इसके साथ साथ रेस्क्यू टीम जो कि देवदूत बनकर ऑपरेशन जिंदगी को जारी रखे हुई थी, उन्हें उनके जज्बे को सलाम करने की जरूरत है, प्रशासन के जज्बे को सलाम करने की जरूरत है, जिसने एक पल के लिए भी इस पूरे मसले पर किसी भी तरह से कोताही नहीं बरती। और 41 मजदूरों को आखिर कैसे बचाया जाए, देश में ऐसी व्यवस्था यहाँ पर सामने आई और उसी के साथ व्यवस्था और मशीनरी ने लगातार पूरा जोर लगाया, जिससे ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर सफल हुआ, कामयाब हुआ। और अब मजदूरों के घर में जश्न का माहौल है, दिवाली बनाई जा रही है और दिए वहां पर प्रज्वलित किए जा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें वहां से उत्साह भरी सामने आ रही हैं। और पूरे देश में इसको लेकर उत्साह है, क्योंकि पूरे देश ने दुआएं की थी, सबके हाथ दुआ के उठे थे ताकि 41 मजदूरों को किसी भी तरीके से सुरक्षित यहाँ पर निकाला जाए। तो संवाददाता प्रियंका कांडपाल ने उन मजदूरों से बातचीत भी की जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल रहे हैं। ये वो रेड माइनर्स हैं जिन्होंने अब पूरा दम लगा दिया है और जब बड़ी बड़ी मशीनें आखिरी वक्त में दम तोड़ गईं, तब रेड माइनर ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अपने हाथों से अंजाम दिया। तमाम जो वर्कर्स जो काम करते आ रहे हैं वो आज के हीरोज हैं, उनकी तस्वीरें, उनकी आंखें नम है, उनसे बात करते हैं तो वो रो पड़ते हैं और कहते हैं खुशी के आंसू हैं। तमाम लोग जिनको देखे एक एक करके आ रहे हैं, सबके सब। आप लोग भी अंदर थे भैया? आप लोग अंदर नहीं थे। ये तमाम लोग, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि इधर से आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पूरे जो बैरिकेड लगा दिए गए हैं उसमें स्ट्रिक्टनेस बरती गई है, किसी को भी जाने की अब एंट्री नहीं है। पुलिस की गाड़ी आती है, एक रास्ता बनाती है और उसके बाद जो एम्बुलेंसेस है वो बाहर उनको लेकर आते हैं। एक एक एम्बुलेंस में बताया जा रहा है परिवार का एक सदस्य और एक मजदूर जो है वो रहेंगे। उसके साथ साथ परिवार के जो तमाम लोग हैं उनको दिन में ही आदेश आ गया था कि वो अपना सामान पैक करें, क्योंकि आज यहाँ से निकलने का समय है। तमाम लोग यहाँ पर जो बने हुए हैं, जो किसी ना किसी तरीके से मिशन का हिस्सा रहे हैं, आप भी इसमें इन्वॉल्व रहे भैया? मैं अंदर में काम किया हूँ और पूरा सुरंग का काम किया मैंने, बहुत मेहनत किया और क्लियर करके अभी हम आदमी को निकालने के बाद फिर मैं बाहर आ रहा हूँ। अभी हमारे लगभग 27 मजदूर बाहर आ गए हैं और फिर सभी आदमी को लेके और वहाँ पे मेडिकल जांच हो रहा है। मेडिकल जांच होने के बाद सभी को एक एक उनके कोट जैकेट दिया जा रहा है, फिर उसके बाद से सुनिश्चित किए करके तब उनको आने दिया जा रहा है बाहर। अच्छा, तो आप किस टीम में थे, आप क्या कर रहे थे? मैं ट्रांसलेस कंपनी में काम कर रहा था, मैं कटर वेल्डर और उसका जो भी अंदर का काम था वेल्डिंग वेल्डिंग का सब हमने काम किया। तो देखिए ये लोग जो तमाम अंदर से काम करके आए, कितनी देर काम करके आए, आज कुछ ब्रेक लिया बीच में? नहीं नहीं, सुबह मैं 8 बजे गया था, सुबह मेरी 8 बजे एंट्री है और मैं अभी आ रहा हूँ। देखिए मेरा हालत भी देखिए, अभी पूरा मीठी लगा हुआ, मेरे पैंट टूट गए। लेकिन लग रहा है कि काम जो था जिसको डे वन से करना चाह रहे थे सफल हो गया, लोग अब बाहर आ गए। जी मैडम जी, मैंने बहुत हमारे सारे जो भी बंदे थे ट्रांसलेस कंपनी के, सारे बंदे ने मेहनत किया, खूब दिलो जान से मेहनत किया और आज उसका नतीजा है कि हमारे सारे मजदूर आज बाहर आ गए।